जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश। गाछी मेला से शुरू हुआ है अमावस्या भी इस बार का जोरदार था अगले बार भाद्र अमावस्या जिसमें माँ तारा का अवतरण हुआ था फिर नवरात्रि काली चौदस भैरवाष्टमी मतलब आने वाला दो तीन महीना तंत्र साधकों के लिए बहुत उत्तम है आज जो विधान आप लोगों को बताऊंगा ये काफ़ी दिनों से आप लोग मुझसे मांगते रहें मैं अवॉइड करता हूँ ऐसे साधना देना इस साधना की ये खासियत है कि इसमें मारन नहीं होता है लेकिन अगर कोई आपको विशेष रूप से परेश परेशान कर रहा है ना तो उसका उपाय इस साधना से हो सकता है अल्प प्रभाव का साधना है लेकिन एक व्यक्ति के लिए काफ़ी है साधना माँ बगलामुखी का है मैंने हमेशा बताया है आप लोगों की बगला मुखी माता का बहुत सारा सौम्य मंत्र है घर में सौम्य मंत्र का जाप करना चाहिए जो मंत्र आम तौर पे लोग बगलामुखी के लिए चलाते हैं जिसमें हाना हाना दह दह पच पच ये सब शब्दों का प्रयोग रहता है इन सब शब्दों का प्रयोग करके मंत्र को घर में नहीं पढ़ना चाहिए आप जिस तरीके का मंत्र पढ़ते हैं उसका प्रभाव आपके घर के एनवायरमेंट पे होता है देखो मंत्र क्या होता है कोई भी मंत्र करने से पहले एक चीज समझ लेना मंत्र चलता क्यों है मंत्र चलता है वाइब्रेशन से जब आपको बताया जाता है कि ईश्वर है ठीक है ईश्वर को हमारे गुरुजी बताते थे ईश्वर मतलब ये स्वर जो स्वर हमारे कंठ से निकल रहा है वही ईश्वर होता है और उसी को पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन कहते हैं आप जो बोल दोगे ना वो कभी ना कभी सिद्ध होता है तो जब आप सिद्ध करते हो किसी मंत्र को तो उस वाइब्रेशन को पकड़ना चाहते हो जिससे कि उस बोले हुए शब्द से वो कार्य हो जाए जो हम लोग बीज मंत्र लगाते हैं अपने साधना में जो बीज मंत्र लगाते हैं उसके बाद देवता का प्रणाम होता है और बीच में जो कार्य होता है वो बोला जाता है ठीक है और जो हमारा साबर मंत्र विधान है उसमें किसी गुरु या सिद्ध पुरुष के द्वारा वो मंत्र रचित है इस कारण से वो सिद्ध है तो उसको सिर्फ बोल करके हम लोग परफेक्ट कर लेते हैं जैसे ही आप उसको परफेक्ट करते हैं जब आप कहीं पे बैठ के किसी मंत्र को चलाते हैं ठीक है तो वो चलाने वाला जो स्थान है वो भी प्रभाव रहित नहीं होता है प्रभाव वहाँ पर भी कुछ ना कुछ छूटता है तो जब भी किसी उग्र साधना को चलाएं किसी उचट साधना को चलाएं किसी उलट साधना को चलाएं तो ध्यान ये रखना है कि अपने घर से उसको ना करें किसी पेड़ के नीचे बैठ जाइए किसी मंदिर में बैठ जाइए किसी चौराहे पे बैठ जाइए ठीक है मैं तो बताता हूँ आप लोगों को ऐसे कि कौन सी साधना घर में करनी चाहिए कौन सी नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप चाहो या ना चाहो जैसे आप मंत्र का उच्चारण करते हो ना तो वो आपके घर के एनर्जी में मिल जाता है तो आप देखोगे जब आप उग्र साधना करते हो तो आप खुद भी उग्र हो जाते हो आप घर में जब बहुत उग्र साधना करोगे शत्रुनाश की साधना करोगे तो आपके घर वाले भी उग्र हो जाएंगे चलो ये एक विषय बता दिया ये भूमिका इसलिए थी कि आप लोग इस साधना को जो मंत्र जाप होगा इस साधना का वो साबर है और वो आप लोग घर के बाहर करोगे कैसे करना है ये साधना ठीक है ये साधना तब करना है जब आपकी गलती ना हो ये ध्यान रखना अगर आपकी गलती है और सामने वाला ने उसका प्रतिशोध लिया है तो आप चाहते हो कि फिर उसको मारे पीटे तो आप समझ लो कि आपको वो मंत्र बैकफायर कर सकता है साधना सात दिन चलेगी दो भाग में साधना है पहला भाग प्रातः होगा सुबह अगर दुश्मनी घर की है तो घर में आप एक छोटी बच्ची को भोजन कराएंगे और कुमारी पूजन करेंगे अगर ये व्यापार से रिलेटेड आपका प्रॉब्लम है तो ये बच्ची को आप कुमारी पूजन अपने व्यापार स्थल में करेंगे इसके अलावा रात्र में आप लोग मंत्र जाप करेंगे कुमारी पूजन कैसे करना है क्योंकि मैं आप पिताम्बरा का साधना है ठीक है तो इसमें सब कुछ आपको पीला रखना है ठीक रोज़ आपको नया वस्त्र देना है मतलब भगवती स्वरूप है ना तो रोज उनको नया वस्त्र देना है ये जो कुवारी कन्या होगी ये चाहे तो किसी जमा जमादार की पुत्री हो या फिर भंगी की पुत्री हो यह ध्यान रखिएगा ठीक है उनको नए वस्त्र पहना करके चुनरी ओढ़ा करके ठीक है और उसका बाद उनको बैठाइए खुद नीचे बैठिए उनको ऊपर बैठाइए और माँ को इस भाव से श्रृंगार कीजिए कि माँ मैं बहुत दुखी हूँ और ये एक मेरा शत्रु है जो मुझे परेशान कर रहा है इसको आप दंडित करें ताकि ये मुझे आगे परेशान ना कर सके और ये मन में भाव लेते हुए जब माँ का कुमारी पूजन आप करेंगे तो उनके पैर पे धीरे धीरे जल डालिएगा और फिर उसको एक कपड़े से तोलिए से पोछिएगा जब पोछिएगा तब भी यही भाव रखिएगा फिर माँ को नए चप्पल दीजिएगा ठीक है पीला भोग अर्पण कीजिएगा केसर दिया हुआ खीर रस मलाई ऐसा कुछ जलेबी ऐसा जो भी एक पीला भोजन होना चाहिए ठीक है और माँ को पूर्ण पीला वस्त्र दीजिएगा ठीक है भोग लगाने का ऐसा नहीं कि तुरंत आप उठा दीजिए उनको थोड़ा देर वहाँ पर बैठने दीजिए और मन मन प्रार्थना करते रहिए कि माँ जो शत्रु हमें बहुत परेशान कर रहे हैं उनका नाश कर दो और उनको दंडित करो फिर उनके हाथ में कुछ द्रव्य दीजिए अपने शक्ति अनुसार आप उनको कुछ दक्षिणा दे करके मतलब अपने मन में फिर बोलिए कि माँ पिता मुझे अपने शत्रुओं से मुक्ति चाहिए कृपया मेरे शत्रुओं के मुक्ति कर लें यह हो गया आपको सुबह का विधान रात्रि में आप क्या करेंगे रात्रि में पीला वस्त्र पहनेंगे दक्षिण की दिशा में बैठेंगे लाल सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तीन अगरबत्ती जलाएँगे हल्दी की माला हो पीला हकीक हो उससे इस जाप को करेंगे जाप लंबा है एक बार बोलूँगा आप लोग लिख लीजिए जय जय बगला महारानी अगम निगम की तुम्ही बखानी संकट में घिरा दास तुम्हारो उसके बाद अपना नाम लीजिए अमुक दास को तुरंत उबारो बैरी का बल छीन लो सारो निर्दयी दुष्टों को तुम ही संघारो जिहा खींच लो शत्रु की सारी बोल सके ना बीच सभारी तुम मातु मैं दास तुम्हारा आनहरो मम संकट सारा दुहाई कामरूप कामाख्या माई की ठीक है ये एक सौ आठ जाप करेंगे तो माँ भगवती जैसे मैंने एक कल आप लोगों को विधान बताया था जिसमें कि भैरव की पूजा होती है महादेव के रूप में जब माँ भगवती देवी महामाया बगला के रूप में दुष्टों का संहार करती है तो उनको कामाख्या के रूप में पूजा किया जाता है कामाख्या का मंत्र आप लोगों को पहले ही दिया हुआ है मैंने कामाख्या वरदा देवी नीलपरव तवासिनी टंग देवी जगन्ना माता योनि मुद्रा नमोस्तुते और योनि मुद्रा कैसे बनाते हैं क्यों बनाते हैं इसका एक वीडियो अलग से उपलब्ध है तो अंत में एक सौ आठ जाप करके और मुद्रा बना के कामाख्या काम, काम संपन्न कामेश्वरी हरिप्रियम कामना दे ही कामेश्वरी नमोस्तुते ऐसा बोल के माँ के सामने आप प्रणाम करेंगे जो नवेद आपने लगा के रखा है वो नवेद उठा लेंगे और उसके बाद उसको भोग लेंगे ये आप लोगों को सात दिन तक रेगुलर करना है सात दिन के बाद जो भी आपका शत्रु जो भी आपके मन में जिस भी शत्रु का नाम है उस शत्रु का हानि होगा और वो आपके रास्ते से हट जाएगा ठीक है जो मंत्र मैंने साबर लिखा है उसमें जहाँ अमुक बोला वहाँ शत्रु का नाम मत बोल देना वहाँ अपना नाम बोलना है आपके शत्रुओं का हनन होगा नहीं तो आपका हनन होने लगेगा ठीक है आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है जैसे कि आसन बंधन वो मेरे पेट साधना ग्रुप से जुड़ सकता है नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट फाइव एट फाइव जिनको डायरेक्ट बात करनी है वो कॉल मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर सर्च कीजिएगा तो मेरा प्रोफाइल मिलेगा आप उस पर मुझसे बात कर सकते हैं इसके अलावा आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं डब्ल्यू 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 डॉट तंत्र डॉट कॉम या अघो तंत्र डॉट आप पिताम्बरा आप सभी की रक्षा करें ऐसी मेरी कामना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश